दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप हमेशा रहे यार। मैं हूँ आपका भाई स्वागत है तो आप लोग एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल यस एम पी 20 ब्लॉग पे। जैसा कि आप सभी को पता है भाइयों, गणेश चतुर्थी लगने में बस कुछ ही दिन से ऐसे रह गए हैं, तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया गणेश चतुर्थी सीरीज, जिसका पार्ट पहला हमने डाला था। छोटी छोटी गणेश जी की मूर्तियाँ बन रही हैं, भान तले पे अरुण चक्रवर्ती जी हैं, उनके यहाँ का बनाया था हमने फर्स्ट ब्लॉग। ये सेकेंड ब्लॉग है और हम अभी आ चुके हैं गोरखपुर हाथीताल के पास। हाथीताल जस्ट मोड़ है गोरखपुर रोड से, तो मुश्किल से थोड़ी दूर पर चल के यहाँ पे ज्वाला कला मंदिर, तो यहाँ का ब्लॉग हम बनाने आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पत्तों बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गणेश जी बन रहे हैं, तो यहाँ का शूट आज हम लेते हैं। इसके बाद तो लोग देखते हैं कहाँ का होगा और कुछ अच्छे सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग इन्जॉय करिए, उसके बाद डिटेल्स में बात। तो दोस्तों, आपने देखे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, अब हम आपको देते हैं कुछ डिटेल्स जो कि मूर्तियाँ कहाँ कहाँ जानी और कहाँ कहाँ की हैं। तो ये फर्स्ट मूर्ति रखी हुई है, भैया से पूछते जाते हैं ये कहाँ की। ये जाएंगी शक्ति नगर के पास है ना, और सेकंड नंबर पे ये वाले पप्पा रखे हुए हैं। ये वाले पप्पा 15 वर्ष से दमोह में जा रहे हैं और यहीं बनते 15 साल से हो चुका है, और इस बार रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ इसलिए हम नीचे का अभी शूट नहीं कर रहे हैं कुछ भी। और भाई ये वाले कहाँ के? चलिए ये हाईकोर्ट पे जाएंगे, जो वकील द्वारा इकट्ठे होकर समिति बनी है ये वहाँ जाएंगे है ना। ये 8 वर्ष हो गए इनको जाते हुए। और ये वाले जाएंगे सागर पे, ये वाले बच्चों सामने देख रहे हैं आप, ये जाएंगे सागर पे और इसी के साथ मुड़ते हैं इस तरफ। तो ये वाले मदन महल के हैं ना अंकल? ये नैनपुर जाएंगे और इसी के बाजू में ये वाले रखे हैं, ये थोड़ा थोड़ा पैटर्न सेम है। ये कहाँ जाएंगे? ये वाले हैं मदन महल के, तो ये पैटर्न और ये पैटर्न थोड़ा सा सेम सा लग रहा, बाकी सारे पैटर्न अलग अलग। और ये वाले बहुत ही खूबसूरत बनेंगे, अभी इनका काम पूरा का पूरा नहीं हुआ है रेडी। तो ये वाले कहाँ जाएंगे? ये गंगा सागर एकता चौक जाएंगे और इनका पैटर्न ही अलग है, ये आदि कलर हो जाता है बॉम्बे पैटर्न में। तो हम आपको एक बार इसका शूट फिर से लेके दिखाएंगे। और ये वाले मतलब इनका आकार ही बहुत ही गजब है और रुद्र रूप होगा जब ये पूरा रेडी होंगे, तो ऐसा लगता है कि इन मूर्तियों पे सबसे ज़्यादा यही देखेंगे। तो ये कहाँ जाएंगे इनका? चलिए ये पेंटी नाका जाएगी और ये बन रहे हैं सिप पैटर्न पे और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी जब कलर होगा तो आप लोग को एक बार हम कोशिश करेंगे फिर से दिखाने की। और ये वाले इनका हाँ। चलिए ये जाएगी हाथीताल पे। तो ये इतनी मूर्तियाँ जो आप लोग देखें, ये सारी हमने आप लोगों को डिटेल्स दे दी हैं। जय गणेश, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कैलाश भैया अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं लगभग 35 वर्षों से ये हमारे यहाँ तक पिताजी के समय से ये मूर्तियों काम चालू, लगभग 50 वर्षों से। गोरखपुर में सबसे पुराना पंडाल है ये गणेश प्रतिमा, दुर्गा प्रतिमा, अन्य धार्मिक प्रतिमाएं जो भी हैं, जन्माष्टमी की, भगवान श्री राम नवमी की, सभी हम लोग धार्मिक प्रतिमाएं बनाते हैं। और विगत 50 वर्षों से हमारे पिता श्री दुर्गा प्रसाद प्रजापति के मार्गदर्शन में ये कार्य चल रहा है और मैं अभी 35 वर्षों से इस कार्य को निरंतर अपने भाइयों के साथ करते चला आ रहा हूँ। और 50 वर्ष हो गए हमारे पिताजी को ये मूर्तियों का काम करते हुए। गोरखपुर में सबसे पुराना पंडाल है ये ज्वाला कला मंदिर का, और हम लोग गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, अन्य धार्मिक मूर्ति, सभी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं और बड़े बड़े विशाल प्रतिमाएं बनाते हैं। और गणेश जी की प्रतिमाओं का 3 माह पहले से हम लोग ऑर्डर देते हैं। जिन भी किसी को अगर गणेश जी की प्रतिमाएं बनाना है, कोई भी पैटर्न की, बॉम्बे पैटर्न की, पूना पैटर्न की,
सभी प्रकार के पैटर्न की मूर्तियाँ बनाई आती हैं, भव्य प्रतिमाएँ बनाई आती हैं, उसके हम लोग 3 महीने पहले ऑर्डर लेते हैं। अभी फिलहाल दुर्गा जी की प्रतिमाओं का ऑर्डर लिया जा रहा है, जो मूर्तियाँ बना रही हैं। ऑर्डर पर भी मूर्तियाँ बनाते हैं, कुछ हम लोग अपने पैटर्न जो हमारे मार्गदर्शन माता जी हम लोग आदेश करती हैं उस पैटर्न पर भी मूर्तियाँ बनाते हैं। अभी मैं शारदा चौक की 15 फीट की शारदा जी की मूर्ति बना रहा हूँ, जो प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस के पास विराजमान होंगी नवरात्रि में। जय श्री राम। थैंक यू भैया। ये हो गया कैलाश भैया का एड्रेस और कुछ जानकारियाँ जो हमने अभी पूछी भैया से, साथ में चौकसी जी थे, इनने भी पूछा है तो बताएं कैलाश भैया ने, है ना, यही है जो यहाँ पे पूरा ये कर रहे हैं पूरा वर्क मूर्तियों पे। अब इसी के साथ हम ब्लॉग को करेंगे एंड, इस ब्लॉग के बाद आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा जो कि आज ही के दिन हम शूट करेंगे। जा रहे हैं हम एक पंडाल और, कोशिश करते हैं क्योंकि बारिश अभी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बारिश रुक रही है तो भींग भी गए हैं लगभग, और अब निकलते हैं यहाँ से। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पे, तब तक के बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।